श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारा जीवन तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक हमारे ऊपर भगवान श्री नारायण की कृपा बनी रहती है। जिस दिन भी नारायण की कृपा हमारे ऊपर से हटी तो ये कहावत कही गई कि निगाह हटी कि दुर्घटना घटी। इसी प्रकार से कि जब नारायण की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर से हट जाती है उसी दिन हमारा जीवन असुरक्षित होकर के और नष्ट हो जाता है। हम सब धीरे धीरे अपने कुकर्मों के द्वारा विनाश की तरफ जा रहे हैं। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि गुरुजी तो कुछ भी कह देते हैं, भला हम कहाँ कोई कुकर्म कर रहे हैं जो हम विनाश की तरफ जाएंगे। हम लोग रोज़ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, फिर इसमें कुकर्म कहाँ से आ गया। तो आप अपने विचारों से बिल्कुल सही हैं और मैं भी जो कुछ कह रहा हूँ तो मैं भी अपने विचारों से बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो आइए समझते हैं कि मैं कैसे अपनी बात को सही कह रहा हूँ। तो जब भगवान ने यह दुनिया बनाई और हमें इस दुनिया में उतारा तो भगवान ने हमें एक काम दिया था कि हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, यह दुनिया जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे साफ शुद्ध और सुंदर बनाए रखना। तो अब हम सब स्वयं ही निष्पक्षता पूर्वक यह विचार करें कि क्या हमने भगवान की इस आज्ञा को माना है। मेरे ख्याल से हमने भगवान की आज्ञा को बिल्कुल भी नहीं माना है, क्योंकि हमने इस पूरे भूमंडल को प्रदूषित कर दिया है और इसे प्रदूषित करने में हमने कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी है। इस संपूर्ण भूमंडल में यदि हमने सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है तो जल को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है। जिन नदियों में कभी कलकल करता हुआ निर्मल अमृत के तुल्य जल बहता था, आज वे नदियाँ गंदे नाले में परिणित हो गई है। बंधुओं, भगवान विष्णु का एक नाम नारायण कहा जाता है। ये नारायण नाम जो है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द इसमें आता है नारा और दूसरा शब्द आता है अयन। तो हम इसका आपको शाब्दिक अर्थ बता देते हैं कि नारा का अर्थ होता है जल और अयन का अर्थ होता है घर। इन दोनों को मिला करके पूरा शब्द बनता है नारायण, अर्थात वह ईश्वर जिनका जल में ही निवास है, अथवा वह ईश्वर कि जिनका जल में ही घर है, वही ईश्वर नारायण कहलाते हैं। अब इसमें आप ही बताइए कि हमारे द्वारा वे नदियाँ, तालाब और सरोवर जिनमें भगवान स्वयं नारायण के रूप से विराजमान हैं, जब हम इन्हें शुद्ध और साफ नहीं रखेंगे तो भगवान क्या हम पर प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जब तक कि हम अपने जल को शुद्ध नहीं रखेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है और भगवान विष्णु का निवास भी जल में ही बताया गया है। इसीलिए बंधुओं, यदि ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त करना है तो हमें अपने नदी, तालाब और सरोवर की शुद्धता की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। जल के शुद्धिकरण के बगैर हमारे द्वारा की गई ईश्वर पूजा कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि हम ईश्वरीय कृपा चाहते हैं, हम भोग और मोक्ष चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान देना होगा। हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और साफ रखना होगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना होगा और जो हमारी नदियां हैं जो कभी हमें अमृत तुल्य जल दिया करती थी,
इनके साफ सफाई की तरफ हमें अवश्य ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारे द्वारा की गई नारायण की पूजा सार्थक और सफल हो सकेगी। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही शेष, फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।